हेलो जी, नमस्कार, वारछुआ, वेलकम बैक टू रंबा हो। दिस इज़ अनदर ट्रैवल व्लॉग जिसमें मैं जा रहा हूँ अपनी एक्सपल्स में। मैं जा रहा हूँ एक्सपल्स पे और जो नितिका, मम्मी, कियान और रिमी हैं वो जा रहे हैं। वो आप मुझे हेलमेट में से सुन सकते हो। तो दिस इज़ अ न्यू हेलमेट दैट आई हैव बॉट फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक, एक मोटोक्रॉस हेलमेट, एक मोटोक्रॉस बाइक के लिए, अलॉन्ग विद दीज गॉगल्स। दो मॉडिफिकेशंस की हुई है मैंने बाइक में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ जो सीट का इशू था, तो हमने व्हेन वी डिड द फर्स्ट राइड ऑन दिस व्हेन वी फाउंड आउट कि सीट जो है बहुत हार्ड है, तो इसमें मैंने और ज़्यादा कुशनिंग डाल दी, जिसके कारण आप देख सकते हो उसका विड्थ भी बढ़ गया एंड डेप्थ भी बढ़ गया, बट उसके कारण हाइट भी बढ़ गया। बट फॉर मी आई थिंक इट्स स्टिल फाइन, मैं स्टिल पहुँच जाता हूँ। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ दिस टॉप बॉक्स मैंने अभी घर पे रखा है बिकॉज आई एम राइडिंग सोलो, बट मैंने इसमें टॉप बॉक्स इंस्टॉल किया ताकि जो पिलियन है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और मैंने बाइक की जो है फर्स्ट सर्विस कंप्लीट कर चुका हूँ, सो दैट मीन्स आई कैन राइड विदाउट एनी इनहिबिशंस। तो आज देखते हैं कि कितना स्पीड तक कंफर्टेबल रहती है ये बाइक। Really enjoyed this ride. Nice road is really nice, and I think the cruising speed for this bike is really good. I think 95 तक तो बहुत ही आराम है, मतलब बिल्कुल मक्खन से चल रही है। एंड अगर आपको उसके ऊपर भी ले जाना, देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पावर लेफ्ट, बट आई थिंक 95 इज़ अ रियली गुड क्रूजिंग स्पीड। So with luggage and pillion, I think 90 may be better. I'm not sure, but I think 90 should be fine. But अगर आप अकेले चला रहे हो थोड़े बहुत सामान के साथ, तो 95 तो बहुत easily. I think 95 is a really good cruising speed for a 200cc bike. Very happy with that, यार, very happy. I think मैंने इतना actually सोचा नहीं था, मैंने सोचा था 80-85 होगा तो भी चलेगा, but I am really happy with this 95 cruising speed. दिस रोड इज कॉल्ड कनकपुरा रोड एंड द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू इज कॉल्ड मेकी धातु। तो एक्चुअली कावेरी रिवर जो है वो उसी के उधर एक संगम है, एक्चुअली 2-3 रिवर्स, दे जस्ट मेक ए जॉइंट ओवर देयर एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम एंड उस व्यू पॉइंट को मेकी धातु बोलते हैं। एंड अपना प्लान है वहाँ जाके लंच करने का, तो एक्चुअली हमने पूरा खाना वाना सब साथ में उठाया है। So today is Ashtami and we have some vegetarian food and tea as well. तो ये मम्मी का प्लान था कि आज चलते हैं कहीं। मेरा एक्चुअली प्लान था एक जगह जाने का विच इज़ इसी के आस पास जगह है, बट दैट इज़ फेमस फॉर ऑफ रोडिंग। बट देन मम्मी का मन हुआ कि कहीं चलते हैं, आज अष्टमी है, एंड नितिका ने भी मेरे को समझाया कि मम्मी का मन है तो चलते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू दिस प्लेस। ओके, मैं आई विल जस्ट गो थ्रू दिस ट्रैफिक एंड देन वी विल टॉक लेटर। What are you doing? आज आज मैंने बराबर मंगाया था, लेकिन अब वो दो लोगों के लिए मैंने यहाँ से, मुझे इतनी भूख लगी थी और वेज बिरयानी, यार मतलब मेरे को वेज बिरयानी उतनी अच्छी नहीं लगती, बट बीरबल बिरयानी हमारे घर के सामने मिलती, क्या मस्त। 11 बजे ऑर्डर दे दिया हमने उसको कि ले आ घर पे, और ये है हमारा ईटिंग स्टेशन, मज़ा आ गया। हमें पता है झट पर दही नहीं थी, फिर हमने साइड पर रोका दही वाले नंदिनी जंक्शन से, हमने दही खरीदी। प्लेट तो हमने प्लेट भी भूल गए थे, एक बंदी चावल बेची थी, मैंने उसको बोला 10 प्लेट चाहिए, वो इतनी खुश हो गई बेचारी, कहती 10 प्लेट चावल, मैंने कहा नहीं सिर्फ प्लेट चाहिए। उसने गुस्से में 40 रुपए लिए इन पेपर प्लेट्स के 10 के, मैं क्या करूँ।
चलो हमारे काम तो नया सूट है। मुझे लगा था ये तीखी होगी काफ़ी, मैं सोच रही थी मैं ब्रेड खाऊंगी और कुछ खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, मगर ठीक लगी, तीखी नहीं थी। हम बिल्कुल बिरयानी को प्रमोट किया जा रहा है। ओए तू भी खाना कुछ बिरयानी? बिरयानी नहीं खाना? What do you want to eat? Pizza and cold drink. No pizza, cold drink every day. इसका हमने कम कर दिया है पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक, बट कभी कभी हो जाता है, मैं आई थिंक हफ्ते में एक या दो बार, बट और कम करना पड़ेगा। मेरे मानता ही नहीं यार, बहुत ज़िद्दी बंदा है अपनी माँ की तरह। उस तरफ मत जाओ, इस तरफ आओ ना, पूरा जगह खा लिया। इधर से क्या तू भी इधर? ओ भाई क्या फिट फिट हो गए हम पूरे, है ना? फिट हो अब, वहाँ कुछ नहीं खा सकते। नहीं नहीं, हमने सैंडविचेस और चाय भी नहीं साथ। चाय तो पियेंगे पियेंगे। What? Bye. No no, bike is not safe for you, na? Bike is dangerous. If you want to ride on bike, then you have to wear helmet. Where is your helmet? Yes. बस कर निकी। यार अब इतना सही बचा है, हमें बहुत मुश्किल है। You eat biryani, then I will take you. Yuck. अभी यहाँ से खाना खा के निकलते हैं, लेट हो गया। मेरे को डस्टबिन की तरह यूज किया जा रहा है। It's not the place, but यहाँ थोड़ा ऑफ रोडिंग लग रहा है। Let's go here. देखते आगे के। Okay. यहाँ थोड़ा फोटो वोटो खींच लिया, अभी निकलते हैं लेकी जाके की तरफ। Mela, baby. Mama will get you a new cold drink. अच्छी बात है ना कि तूने शेयर किया बंदर के साथ। But you shared. बंदर आया और वो हमसे कुछ मांग रहा था, मेरे पास इसकी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची थी, मैंने दे दी। उन लोगों ने काटे का। और अभी सच में लगा कि क्या हम खुश हो जाएगा कि बंदर ने इसके साथ शेयर की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ क्या? पापा इज आस्किंग व्हाट हैपेंड। ऊपर से उस बंदर ने गिराई दी आधे से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, पीनी नहीं आई। क्या हुआ क्या किया? फेंका इसने, कह रहा इसने पी भी नहीं और फेंक दी, इसको उस पर ज्यादा बुरा लगा। मंगी केंदी, मैं केंदी मंगिया। हाँ गंदी अभी 5 घंटे यही बोलेगा। हाँ मगरमच्छ भी होता है, बट ऑफकोर्स बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वो इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है और पत्थर वत्थर भी आसपास बहुत सारे हैं। तो बट आगे जाओगे ना, थोड़ा और आगे जाओगे तो वहाँ आपको क्रोकोडाइल्स मिलेंगे लाइव इस नदी में गुजरते हुए। एक्चुअली वही रिवर है जहाँ हम पिछली वीडियो में जो हमने दिखाया था ना, ये वही रिवर आगे बहते हुए यहाँ तक पहुँचती है। कावेरी रिवर, हम गए थे ना वहाँ। नहीं नहीं, मैसूर वाले में तुम नहीं गए। तू देख वहाँ पे क्या घूम रहा है। चाय पीने? अभी अभी पेट इतना फट गए मेरा ये बिरयानी खा के। तो ज़्यादा खाई?
पीने में अभी मजा आता ना मेरे यहाँ इतने बंदे हैं जाएंगे चाय बाहर अभी हमने चाय वाई भी लाई है बट हमने निकाली नहीं पा रही इतने सारे बंदर देख के क्या विच कलर बाइक यू लाइक रेड कलर फेवरेट है विच कलर इज योर फेवरेट स्पाइडरमैन विल सेव अंकल सेव अंकल सेव अंकल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकल के एक जगह जाएंगे जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग टाइप की दे रहा वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम चाय पियेंगे वहाँ बंदर बंदर नहीं है और थोड़ा हिल्स है वहाँ चलते हैं ये वो जगह है जहाँ पे आई थिंक वी कैन हैव टी इस प्यारे से व्यू के साथ बंदर बंदर भी नहीं है कुछ भी नहीं है आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम मैं अभी हम यहाँ चाय पियेंगे कथा बथा करेंगे मतलब बातचीत करेंगे बहुत अच्छा ड्रोन शॉट लेंगे वो आपने मेरे ख्याल से देख लिया अगर नहीं देखा ये देखो कितना सुंदर है यहाँ पे और थोड़ा सा मैंने यहाँ ऑफ रोडिंग करूंगा ट्राई करूंगा ऑफ रोडिंग करने की मतलब ऑफ रोडिंग मतलब थोड़ा सा पीछे वाले टायर को स्किड करेंगे बेसिकली एंड उसका स्लो मो निकालने की कोशिश करेंगे बट पहले उससे पहले चाय पियेंगे नहीं करेगा वो नहीं करेगा उसको पता है क्या कम है पानी है हेलो हाँ जी दीदी शीचे कहेंगे शीचे इट वॉज ओवरऑल अ वेरी गुड डे मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे ऐसा ही होना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिप कर लिया और संडे को थोड़ा थक जाते हैं अगले दिन ऑफिस में प्रॉब्लम होती है बट सैटरडे दिस इज़ द परफेक्ट सैटरडे हम लोग गए वहाँ पे हम लोग ने वहाँ चिल मारा नदी के किनारे अब वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे तो हम लोग वहाँ पे चाय नहीं पी पाए खाना तो हमें खाना ही होता है मतलब पहले हमने खाना खाया अब हमें चाय पीनी है हमने इतना सारा खाना लाया साथ में कि अगर हम कल सुबह भी जाएंगे बाहर तब भी हो जाएगा तो अभी हम मस्त पी रहे हैं लिप्टन टी और राहुल पी रहा है शीर चाय पिंक टी जो कश्मीरियों की होती है ऐसे ग्राउंड जैसा है जहाँ पे लोग ऑफ रोडिंग करते हैं और मैं चाय पीती हूँ मतलब ये डिफरेंस है मेरे में और राहुल में तो इट वाज अ फन फिल्ड डे आई थिंक थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने के बाद वी विल गो होम एंड वी विल सी यू सून टेक केयर बाय बाय हेलो